नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार की राजधानी पटना भारतवर्ष के पौराणिक शहरों में से एक है। पटना सिटी के गुरहट्टा स्थित पादरी की हवेली महागिरजाघर 300 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। ईसाई समुदाय द्वारा 1628 ईस्वी में स्थापित पादरी की हवेली सैकड़ों वर्षों के बाद भी उस दौर के अपने पुराने और खूबसूरत इतिहास को समेटे हुए है। जब इसकी स्थापना की गई थी उस वक्त भारत पर मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था और अंग्रेज भी भारत आ चुके थे। उस वक्त जहांगीर के ईसाई वायसराय ने पटना सिटी के इस गिरजाघर का काम करने को कोलकाता कापुचीन पुरोहित फादर साइमन फिगुएर्डी को बुलाया था। फादर ने यहां प्रार्थना स्थल का भी निर्माण करवाया था। अशोक राजपथ से गुजरने वालों की निगाहें इस चर्च पर आसानी से पड़ जाती हैं। वर्तमान में इस चर्च के प्रमुख फादर ललित हैं। 1713 ईस्वी में कापुचीन धर्म संघियों ने विकसित पूजा घर का निर्माण करवाया। 1763 में अंग्रेजों और मीर कासिम के सिपाहियों के बीच युद्ध के दौरान कई अंग्रेजों का कत्ल हुआ। उन सभी अंग्रेजों को चर्च से कुछ दूरी पर स्थित गिरजा अस्पताल के सटे कब्रिस्तान में दफनाया गया था। युद्ध के दौरान पादरी की हवेली चर्च को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया था। इसके बाद रिवेटी के कापुचीन फादर जोसेफ द्वारा 1772 ईस्वी से 1779 ईस्वी के बीच फिर से पादरी की हवेली चर्च का निर्माण कराया। कोलकाता के प्रसिद्ध वेनेटियन आर्किटेक्ट टेरेटो ने डिजाइन तैयार किया। उस समय सूखी चूने का प्रयोग कर दीवार का निर्माण हुआ। उस दौर में मात्र 700 रुपये में गिरजाघर का निर्माण हुआ था। इस इमारत के आगे वाले भाग में ऊंचे और मोटे 4 पिलर हैं। पीले रंग की इमारत दूर से ही दिखती है। 1782 में इस चर्च में अष्ट धातु से निर्मित विशाल मरिया घंटा नेपाल नरेश पृथ्वी नारायण के पुत्र बहादुर शाह द्वारा भेंट किया गया। घंटे का नाम मरिया अंकित है। वर्ष 2013 के नवंबर माह में पादरी का हवेली पर्यटन विभाग के मानचित्र पे आ गया। पादरी की हवेली महागिरजाघर के मुख्य द्वार का निर्माण फादर जिराम ने वर्ष 2014 में कराया। पटना सिटी आने वालों के लिए पादरी की हवेली महागिरजाघर मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इस चर्च के प्रमुख फादर ललित बताते हैं कि रविवार के अलावा यहां क्रिसमस, नववर्ष, गुड फ्राइडे और ईस्टर जैसे त्योहारों पर काफी संख्या में भीड़ जुटती है। क्रिसमस के अवसर पर पादरी की हवेली महागिरजाघर की रौनक और ज्यादा बढ़ जाती है। पादरी की हवेली महागिरजाघर प्राचीनतम चर्चों में से एक है। यह पटना का एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क है। जो लोग पटना भ्रमण को आते हैं उनके लिए पादरी की हवेली देखने का एक बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। पादरी की हवेली महागिरजाघर बिहार पर्यटन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिसंबर और जनवरी के महीने में यहाँ की सुंदरता काफी बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा संख्या में लोग इसे देखने और यहाँ घूमने के लिए आते हैं। वैसे भी बिहार प्राचीनतम धरोहरों को समेटने में अग्रणी है। बिहार के लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और यही कारण है कि यहाँ के लोगों का आस्था के प्रति बहुत ही गहरा लगाव है। बिहार में पर्यटन के दृष्टि से कई दर्शनीय स्थान हैं और उनमें से ही एक स्थान है बिहार का सबसे प्राचीन गिरजाघर पादरी की हवेली महागिरजाघर। तो अगर आप पटना भ्रमण के लिए आएँ तो यहाँ घूमने अवश्य जाएँ और आप अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें कमेंट में अपना अनुभव बता सकते हैं। अगर आप भी इस तरह की प्राचीन स्थान के बारे में जानते हैं तो वो भी हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।